الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today I would like to talk about very important topic. For the new viewers, I would like to briefly introduce myself. My name is Muhammad Yusuf Saeed. I'm a qualified and experienced English language teacher. My background is from Pakistan, but I'm settled in the United Kingdom. I have been teaching English since last 20 years, almost, or more, maybe a couple of years more, maybe 22 years. Since, let's say, I have been teaching English since March 1988. I'm very new on YouTube. I'm not very experienced talking on YouTube, so this is my new experiences. I'm really sorry for some mistakes, some errors. Anyway, I'll be talking in Urdu language for the viewers from Pakistan and India in the beginning. But I'm really sorry for the viewers who do not understand Urdu or other languages, I'll be talking to you on the same topic later, maybe in English language, so that you can also understand. But the question which we are going to discuss today is about either speaking English or learning English is a sin, or is not allowed or disliked by Islam or by our deen, or it is something bad. And the other part of a question is, do we have any reward from Allah subhanahu wa ta'ala if we learn languages and we speak languages, if we practice languages, if we are involved with learning and using languages in any ways? Right, so these are two very important questions that I would like to discuss in Urdu language. So viewers, I'm sorry. अच्छा पहली बात तो ये है कि क्या English सीखना, उसकी practice करना गुनाह है, कुफर है, बुराई है, कोई ऐसी बात है तो जो हमारे इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी या गैर पसंदीदा है. तो ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं हमारे जहनों में, ये जो हैं, ये पता नहीं खुद साख्ता हैं, इनके इनकी कोई बुनियाद नहीं है इस तरह की सोचों की, ना कोई दलील है कहीं किताब व सुन्नत से इस तरह की कि दुनिया की ज़ुबानें सीखना. दुनिया में जितने मुमालिक हैं और जो जो ज़ुबानें बोलते हैं उनको अल्लाह ताला ने सब लोगों को पैदा किया, वो खालिक और मालिक है सब लोगों का, और ज़ुबानें लोगों ने बनाई और उससे वो कम्युनिकेट करते हैं, सोर्स है एक दूसरे से बात करने का. अब दूसरा ये है कि क्या कुफार की ज़ुबान सीखना गुनाह है, बुरी बात है? ऐसा नहीं है, ये एक कंसेप्ट है, सोच है कुछ लोगों की, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की जो मुझे 20 सालों में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मेरे सामने आए हैं. मैं 3 साल से सऊदी अरेबिया में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी बहुत से स्टूडेंट ने क्लासेस में ये बात की कि जब मैंने उन्हें कहा वेल टुडे वी टॉक इन इंग्लिश यू हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश, वो कहने लगे टीचर वी डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश. व्हाई यू डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश? वो रीज़न उन्होंने क्या बताया कि टीचर ये कुफार की ज़ुबान है, हम तो नहीं बोलेंगे. तो भाई आपका जो है, आपने ये आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप एक कोर्स पर आए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी ने, आपकी कंपनी ने, जहाँ के आप एम्प्लॉय हैं उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम पे भेजा के ये लैंग्वेज कोर्स कर लें, तो आपको पे करते हैं इस लैंग्वेज कोर्स को सीखने के लिए, और आपने इससे जॉब करनी है और जॉब करके आपने रिस्क कमाना है. तो ये सारी चीज़ें आप सोचें, गौर करें, तो क्या ज़ुबान सीखना बुरा हो गया? तो नहीं टीचर, वो बस ये तो आपने ये लुगतुल कुफार है, ये लुगतुल कुफार काफ़रों की ज़ुबान है. तो ये जो है ना, ये कंसेप्ट्स दुरुस्त नहीं है. अगर मतलब पाकिस्तान में भी मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, मैंने 7 साल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर पढ़ाया, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ जो है पंजाब, वो नहीं उसका नाम है PCBA, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब.
तो वो वहाँ पर भी मैंने एक सेमेस्टर MBA BBA वगैरह को पढ़ाया। तो इस तरह मुख्तलिफ कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो अपना इदारा भी मेरा लॉर्ड मॉडर्न लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के मतलब वो मैं चलाता रहा हूँ। तो बहुत से स्टूडेंट ने ये इस तरह की बात सामने आई कि ये तो हम क्यों इंग्लिश है, हम इंग्लिश तो गुनाह होता है या गलत बात, या वो सिर्फ वो समझते हैं ये तो मस्जिद है वही यहाँ इंग्लिश नहीं बोली, खामोश, इंग्लिश है नहीं कोई गलत चीज़, उनके जहन में इंग्लिश कोई ख़राब सी चीज़ है, इस तरह की ये कंसेप्ट दुरुस्त नहीं है। तो लैंग्वेजेस के बारे में ये बात है कि दुनिया की कोई भी ज़ुबान आप सीखें, डैनिश, स्पेनिश, इटालियन, नॉर्वेजियन, पुर्चवेज, कोई भी, तो ज़ुबानें कभी भी इंफीरियर और सुपीरियर नहीं होती, अच्छी और बुरी नहीं होती। कोई भी ज़ुबान ये नहीं कि वो ये ज़ुबान गंदी है, ये अच्छी है, ये आला है, ये कम दर्जे की है, ये कंसेप्ट दुरुस्त नहीं है। इनकी ना कोई मजबूत दलील है, ना इस पर कोई ऐसी बात है, तो बल्कि इसके अपोजिट बात है कि जो है ना अलूम हासिल करना ज़रूरी है ताकि आप मजबूत और मुफीद शहरी बन सकें और मुआशे में आप खैर और भलाई आसानी से एक दूसरे तक मुंतकिल कर सकें। तो इसके लिए ज़ुबानों की ज़रूरत होती है। आपने दीन भी आपने पहुँचाना है, कोई मैसेज, अल्लाह का मैसेज किसी तक पहुँचाना है, और ऐसे लोगों तक जो ज़ुबान नहीं जानते आपकी ज़ुबान, तो आपको किसी न किसी ज़ुबान का सहारा लेके वहाँ तक दीन पहुँचा सकते हैं, तो इससे मुफीद काम लिए जा सकते हैं। अब ये है सवाल, क्या इंग्लिश सीखना बोलना के अमल से अल्लाह ताला हमें अजर और सवाब देंगे? तो ये इस सवाल का जवाब ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप के जहन में क्या सोच है, क्या नियत है। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات, इंसान की जो अमाल है उसका दार मदार उसकी नियत पर है। अगर आप दुनिया में कोई ऐसा काम अच्छी नीयत के साथ कि इसमें भलाई और खैर के पहलू को हुस्ने ज़न से काम करते हैं, कोई भी काम है ऐसा, तो जिसकी शरीयत ने इजाज़त दी है वो वाले काम खैर और भलाई की सोच से करते हैं, तो इंशाअल्लाह उसमें अजर सवाब है आपको उस काम के करने का। तो अगर आप इंग्लिश इस नीयत से सीख रहे हैं कि मैं इस ज़ुबान को सीख कर मुआशे में खैर और भलाई पहुँचाऊँगा, मैं कोई मुफीद अमल करूँगा, इस ज़ुबान को सीखने के बाद मैं रिस्क हलाल कमाऊँगा, इसको रोज़ी का ज़रिया बनाऊँगा, इसको हलाल रिस्क का ज़रिया बनाऊँगा, इसको मुआशे में दूसरे अलूम लोगों तक पहुँचाने में जो है वो इसको इस्तेमाल करूँगा, और इस ज़ुबान से मैं जो भी मुफीद काम है वो मैं करूंगा, तो इंशाअल्लाह इस नियत पर आपको अजर सवाब मिलेगा, उस अमल को करते हुए भी अजर सवाब अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अता कर देंगे। तो इसलिए ये इस कंसेप्ट के इंग्लिश बोलना या सीखना ये काफिरों की ज़ुबान है। ज़ुबानें कभी काफिर नहीं होती, चीज़ें कभी काफिर नहीं होती। दरवाज़ा काफिर है, कोई खिड़की काफिर होती, तो कोई साबुन काफिर है कि मैं साबुन ये इंग्लैंड से आया, अमरीका से आया, ये तो काफिर साबुन है, ऐसा नहीं है। कोई साबुन, कोई फ्रिज, कोई इस्तेमाल की चीज़ें वो कुफर पर नहीं होती, वो मुशरिक नहीं होती। तो लिहाजा ये वाला कंसेप्ट आलमी की बुनियाद पर शायद उसको स्टूडेंट कह देते होंगे, तो आज उनका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आप इंग्लिश सीखें या बोलें तो आपके जहन में अच्छी नीयतें हों, हुस्ने ज़न हो कि मैं इस ज़ुबान से मुआशरे में मुफीद काम करूँ, इससे भलाई करूंगा, इससे मतलब कोई खैर वाला काम, इससे कोई रिस्क कमाऊंगा, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कोई अच्छा रिस्क अता कर देंगे अल्लाह ताला, इसको ज़रिया बना देंगे। तो ये वाली सोचों के साथ जब आप इंग्लिश बोलेंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि मुझे ये ज़ुबान आ जाए, तो उस बोलने के वक्त में भी आप उस नीयत की बुनियाद पर अल्लाह ताला अजर अता कर देंगे कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, अजर मिल रहा है। तो आप कोई भी इस तरह का काम अच्छी नीयत की बुनियाद पर करेंगे, वो आपके लिए अजर व सवाब का बाइस बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर अमल सहले क्या है, मतलब नेक अमाल क्या होते हैं? नेक अमाल जो है आपके हर वो अमल जो अल्लाह की मोहब्बत और खौफ में करें,
اور دوسری شرط جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے یا نصیحت کے مطابق ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے آپ دنیا کے علوم حاصل کریں اور اس سے معاشرے میں مفید کام کریں, بھلائی اور خیر کے عمل کریں. تو انگلش کو آپ ذریعہ بنا لیں اپنے خیر اور بھلائی کا, اپنے آپ اس سے رزق کمائیں گے, اس سے نوکریاں کریں گے, اس سے معاشرے میں اچھے طریقے سے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو زبان کو سیکھ کے کوئی فخر کی بات ہو جائے گی میرے لیے اور میں تکبر کروں گا اور سب سے کہ مجھے انگلش آ گئی اور کسی کو نہیں آتی اور میں اس طرح کا رویہ, تو وہ ویسے ہی نیگیٹو ہے. منفی جو ہے نا سوچ یا منفی انداز نہیں اپنانا چاہیے کوئی بھی عمل میں. اور انگلش لینگویج میں بعض لوگوں کی اس مقصد کے تحت, اس سوچ کے تحت سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس زبان کو سیکھ کر میں جو ہے نا اعلیٰ بن جاؤں گا, میں بہت ہی پڑھا لکھا معاشرے میں تصور میرا ہوگا. تو یہ اس کی اپنی ایک سوچ ہے اس انسان کی, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کا یہ عمل اچھا اور نیک عمل بن جائے گا اگر آپ کی سوچ اور نیت نیک اور اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالی, اور آپ کو اللہ تعالی اس عمل پر بھی اجر و ثواب عطا کریں گے. یہ ویڈیو ایک مختصر آپ سے گفتگو تھی. تو میں اصل میں انگلش لینگویج ٹیچر رہا, تو اب میں نے کچھ ویڈیوز انگلش لینگویج پہ بنائی ہیں اور وہ ایک یوٹیوب چینل ہے لارڈ انسٹیٹیوٹ کے نام سے, تو اس پر میں وہ اپلوڈ کر رہا ہوں. کافی سارے لیسن, کچھ لیسن میں نے ایسے بنائے کہ جو مجھے خود پتہ نہیں تھا, ایکسپیرینس نہیں تھا, مجھ سے غلطیاں ہو گئیں کہ کوالٹی آواز کی اچھی نہیں, کوئی تصویر کی کوالٹی اچھی نہیں. اس پہ میں اپنے ویور سے بڑا ہی معذرت خواہ ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں تھی, میں تجربہ کار نہیں ہوں. تو آہستہ آہستہ, کیونکہ میں نے کوئی پروفیشنلی انداز اس کام کو تو کیا نہیں, میں نے کہا میرا پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے, اور جن کو میں ادارے میں نہیں پڑھا سک رہا تھا بہاول پور کے, تو چلیں وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہوں کہ آن لائن وہ کر لیں. یہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ آئیڈیا ذہن میں آیا کہ آن لائن کچھ لیسنز لوگوں تک پہنچ جائیں. اس میں میں بہت سی ٹپس سکھا رہا ہوں کہ گھر میں کس طریقے سے مختلف چیزوں کے ساتھ آپ انگلش کی پریکٹس کر سکتے ہیں, بغیر کسی انسان کے بھی آپ انگلش کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اکثر ہوتا ہے نا کہ بھائی میرا کوئی دوست نہیں ہے, میں کس سے انگلش بولوں, کس سے کس طرح پریکٹس کروں. تو میں نے بہت سی ٹپس بتائی ہیں اس میں ویڈیوز میں کہ آپ کس طریقے سے بغیر دوستوں کے, بغیر لوگوں کے انگلش بہترین فرفر بول سکتے ہیں پریکٹس کر کے. تو اچھے لب و لہجے کے ساتھ اچھے انداز سے اگر آپ انگلش سیکھ لیں, بول لیں, آپ کو اس سے رزق مل جائے, روزی کہیں سے اس کی وجہ سے نوکری مل جائے, آپ رزق حلال کمائیں, فیملی کو سپورٹ کریں, اپنے معاشرے میں مفید شہری بن کے زندگی گزاریں اور سیدھے راستے پہ زندگی گزاریں, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو آپ کی اچھی نیتوں پر اور حسن ظن پر اجر و ثواب عطا کریں گے. واللہ العالم بالصواب. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ I'll see you next time. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.